हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मा। दिस इज योर गिफ्ट, दिखाओ ना। ये देखो। ये गाड़ी, तू तो कह रही थी तेरी माँ तुझे 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट करने वाली है, और ये तो 5-6 लाख की गाड़ी है बस। हाँ यार, वो कहते ना खोदा पार्ट निकली चुहिया। यार गाइस चुप रहो ना, मेरा ऑलरेडी इतना दिमाग खराब है। अरे बोले नहीं तो सताक्षी और क्या करे, हमें तो लगा था तेरी मम्मी कोई बड़ी गाड़ी लेके आएगी, लेकिन वो तो ये लेकर आई है। और यार शीतल, मुझे तो लगता है ये गाड़ी किसी गैराज से उठा के लाई है, सेकंड हैंड। मिल गया आपको सुकून, करा ली मेरी। मुझे लगा था आप मुझे कोई महंगी कार दोगे, और आप ये क्या लाए हो, 12-13 लाख की गाड़ी? आपको क्या लगता है मैं इसमें घूमूंगी? कितनी फूटी किस्मत है मेरी। आपको पता है मेरे फ्रेंड्स कितने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके माँ बाप उनकी कितनी केयर करते हैं, सारे शौक पूरे करते हैं। आपसे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप मुझे ये गाड़ी गिफ्ट करोगे। बेटा मैंने तेरी बेइज्जती क्या करवा ली, मेरी यही लेने की औकात थी तो मैंने तुझे यही गाड़ी दिला दी। तो बेटा इस गाड़ी में क्या बुराई है, बड़ी गाड़ी में भी बैठ के ही जाना और छोटी गाड़ी में भी बैठ के ही जाना है ना। वैसे आंटी आप बुरा मत मानना, एक बात बोलूं, ये गाड़ी ना हमारे नौकर लेके निकलते हैं, आपको पता है कदर तो करनी चाहिए, क्योंकि ना ऐसी गाड़ी तो हमारे पास भी नहीं है। आंटी किसी और गाड़ी गिफ्ट करते हैं ना तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं। अरे इस गाड़ी के सामने सताक्षी का तो सारा स्टैंडर्ड ही गिर जाएगा। और वैसे एक बात बताओ सताक्षी, अब तेरी मम्मी ने दे दी, तू एक काम करियो, तू ना हमारी गाड़ी में चल लियो, एक्चुअली इससे तो बहुत बड़ी है वो गाड़ी। और नहीं तो सुन, तू ना एक काम करियो, तू मेट्रो से जाया करियो, कम से कम तेरी स्टैंडर्ड तो रहेगी। बेटा कैसे बोल रहे हो, ये गाड़ी भी ना 12-13 लाख की है, कम से कम। बात बोलूं मम्मी, मुझे ना शर्म आ रही है आपको माँ कहते हुए, मेरे दोस्तों के सामने करा नहीं भेजी थी। चलो दोस्तों मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। एक मिनट रुक बेटा, एक बात बोलूं, मैं तेरे लिए ये गिफ्ट नहीं, मैं तेरे लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी। मस्टैंग यार कितनी सेक्सी गाड़ी है। हाँ यार, यार ये तो मेरी फेवरेट गाड़ी है। तुझे पता है बेटा मैंने तेरे लिए ये गिफ्ट लिया था, ना कि वो। और एक बात सुन ले कान खोल के, मैंने तो तेरे साथ छोटा सा मजाक। और तूने क्या किया, तूने तो अपने दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे इस दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था क्या? तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तेरी हर एक मांग पूरी करी, तूने कहा मम्मी मुझे मस्टैंग चाहिए, मैंने पाई पाई जोड़ जोड़ के तेरे लिए मस्टैंग खरीदी मेरे बेटे। और तूने क्या किया, मुझे आज शर्म आ रही तुझे अपनी बेटी कहने में। सॉरी मम्मी मुझे माफ कर देना, मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गई थी और मैंने आपको जाने अनजाने में क्या कुछ नहीं बोल दिया। सॉरी, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ बेटा, बट यार ना तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। चल कोई नहीं, आखिरकार तू मेरी बेटी है, मुझे माफ तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि तू मुझसे दूर रह सकती है पर मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती बेटा। पर आज के बाद ना कभी भी मेरा ऐसा दिल मत दुखाना। हाँ आंटी, हमें माफ कर दीजिए, हमने अनजाने में पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं बेटा, जैसे मेरी ये बेटी है मैंने इसको माफ कर दिया, वैसे तुम भी मेरे। पर बेटा एक बात बोलूं, आज के बाद ना किसी की भी ऐसी बेइज्जती मत करना, क्योंकि बंदा कोई भी गिफ्ट दे वो बड़ी मेहनत से देता है, बड़े प्यार से देता है। चलो बेटा अब घर चलें।